अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज़ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। प्राइस अपडेट्स हैं काफ़ी सारी, इसके अलावा अपकमिंग डिवाइस की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो प्राइस अपडेट से। काफ़ी टाइम से डॉलर की वजह से प्राइस नीचे नहीं आ रही थी, जो कि डॉलर एक्सचेंज रेट नीचे आ चुका था, लेकिन अब काफ़ी टाइम बाद जाके कुछ ब्रांड्स की तरफ से प्राइस डिक्रीज़ देखने को मिला है, लेकिन ये उतना डिक्रीज़ नहीं है जितना इंक्रीज़ किया गया था। यहाँ पे कुछ आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक प्राइस ड्रॉप होना शुरू होगी। अभी शॉमी, ओप्पो, टेक्नो, इन्फिनिक्स और आईटेल की तरफ से और रियलमी की तरफ से प्राइस डिक्रीज़ देखने को मिला है। अभी सैमसंग की तरफ से प्राइस डिक्रीज़ नहीं दिया, प्राइस ड्रॉप अभी नहीं मिला। शॉमी से स्टार्ट करते हैं। शॉमी की तरफ से रेडमी 10C के दोनों वेरियंट, 4GB रैम 64GB रोम का वेरियंट 31,999 यानी 32,000 रुपये से 30,000 रुपये का कर दिया गया है, 2,000 रुपये डिक्रीज किए गए हैं। इसी तरह रेडमी 10C का 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरियंट 35,000 रुपये से 33,000 रुपये कर दिया गया है, यहाँ भी 2,000 रुपये डिक्रीज किए गए हैं। और शॉमी ने सिर्फ रेडमी 10C की प्राइस डिक्रीज की है, रेडमी नोट 11 सीरीज के अंदर प्राइस देखने को प्राइस ड्रॉप देखने को नहीं मिला और रेडमी 10A के अंदर भी अभी तक प्राइस ड्रॉप देखने को नहीं मिला। इसके अलावा बात करें ओप्पो की, तो ओप्पो की तरफ से ओप्पो A16e की प्राइस ड्रॉप हुई है, जो कि 30,000 रुपये से 28,000 रुपये पर आ गया, यहाँ भी 2,000 रुपये डिक्रीज किए गए हैं। ओप्पो A76 48,000 रुपये से 45,000 रुपये पर आ गया, यहाँ पे भी 3,000 रुपये डिक्रीज़ किए गए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ओप्पो A76 तकरीबन 35,000 रुपये से 48,000 रुपये पर गया था और अभी सिर्फ 3,000 रुपये कम किए गए हैं। इसके अलावा वीवो की तरफ से भी काफ़ी सारे प्राइजेस कम हुई हैं। ओप्पो की तरफ से सिर्फ दो मॉडल्स हैं। वीवो ने Y21T की प्राइस भी डिक्रीज़ की है, 44,000 रुपये से 42,000 रुपये पर आ गया, 2,000 रुपये प्राइस ड्रॉप किए गए हैं। वीवो V23e जो कि 74,000 रुपये का था 74 का, वो 70,000 रुपये कर दिया गया है, यहाँ पे 4,000 रुपये ड्रॉप किए गए हैं। इसी तरह वीवो V23 5G डिवाइस जो है वो 1,06,000 रुपये से 1,00,000 रुपये की कर दी गई है, यहाँ पे 6,000 रुपये ड्रॉप किए गए हैं। इसी तरह टेक्नो की बात करें तो कैमन 19 न्यू रिसेंटली अनाउंस डिवाइस टेक्नो की, जो कि 41,000 रुपये से 38,000 रुपये कर दिया गया है, यहाँ पे 3,000 रुपये ड्रॉप किए गए हैं। इस टेक्नो स्पार्क 8C 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरियंट 30,000 रुपये से 27,500 रुपये का कर दिया गया। इसी तरह इसका 3GB 64GB रोम का वेरियंट 27,500 रुपये से 24,500 रुपये का हो चुका है और इसका 2GB रैम 64GB रोम का वेरियंट 24,000 रुपये से 22,000 रुपये का हो गया, 2,000 रुपये प्राइस ड्रॉप किए गए हैं। इसी तरह इन्फिनिक्स की बात करें तो यहाँ पे नोट 12 VIP सबसे हायर एंड का मॉडल VIP जो कि 70,000 रुपये का हो चुका था, वो 65,000 रुपये कर दिया गया है, 5,000 रुपये यहाँ पे भी ड्रॉप किए गए हैं। जबकि नोट 12 8GB रैम 256GB रोम का वेरियंट 51,000 रुपये से 47,000 रुपये का हो गया और नोट 12 का 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरियंट 47,000 रुपये से 43,000 रुपये का हो गया और यहाँ पे 3,000 रुपये ड्रॉप किए गए हैं। इसी तरह नोट 12 का 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरियंट 42,000 रुपये से 38,500 रुपये का हो गया। इसी तरह इन्फिनिक्स में हॉट 12 की प्राइस भी कम हुई है, हॉट 12 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरियंट 36,000 रुपये से 33,000 रुपये का हो गया, 3,000 रुपये ड्रॉप किए गए हैं। हॉट 12 प्ले के दोनों वेरियंट 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरियंट 31,000 रुपये से 28,500 रुपये का हो गया और हॉट 12 प्ले का 4GB रैम विद 64GB रोम का वेरियंट 29,000 रुपये से 26,500 रुपये का हो चुका है। इसी तरह इन्फिनिक्स हॉट 12 आई 26,000 रुपये से 24,000 रुपये का हो गया, 2,000 रुपये ड्रॉप किए गए। हॉट 11 प्ले जो कि 31,000 रुपये का हो गया था, वो अब 28,500 रुपये का हो गया है। इसी तरह हॉट 11 प्ले का 4GB रैम 64GB रोम का वेरियंट 29,000 रुपये से 26,500 रुपये का हो गया। इन्फिनिक्स का स्मार्ट 6 3GB 64GB रोम का वेरियंट 25,000 रुपये से 23,000 रुपये का हो गया। इसी में 2GB रैम 32GB रोम का वेरियंट 21,000 रुपये से 19,500 रुपये का हो गया। इसी तरह स्मार्ट 6 HD जो कि 2GB रैम 32GB रोम का वेरियंट है, ये 21,000 रुपये से 19,500 रुपये का हो गया। इसी तरह रियलमी की तरफ से भी काफ़ी सारा मॉडल्स में प्राइस ड्रॉप देखने को मिला। रियलमी C11 4GB रैम 64GB रोम का वेरियंट 28,000 रुपये से 26,000 रुपये का हो गया। रियलमी C25Y 4GB रैम 64GB रोम का वेरियंट 33,000 रुपये से 31,000 रुपये का हो गया। रियलमी C25S 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरियंट 38,000 रुपये से 35,000 रुपये का हो गया। रियलमी C35 जो कि मोस्ट डिमांडेड डिवाइस है रियलमी की, 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरियंट 41,000 रुपये से 39,000 रुपये का हो गया, 2,000 रुपये ड्रॉप किए गए हैं। इसी तरह रियलमी 9i 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरियंट
45,000 रुपये से 43,000 रुपीज़ का हो गया। रियलमी 9 Pro Plus जो कि 83 पे पहुंच चुका था वो अब यहाँ पे 80,000 पे आ गया है, 3,000 रुपये ड्रॉप किए गए हैं। रियलमी 9 4G वेरिएंट 8GB रैम विद 128GB का 65,000 से 62,000 रुपीज़ का हो गया, यहाँ पे 3,000 रुपये ड्रॉप किए गए हैं। आईटेल की भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जिसमें कीपैड फ़ोन भी हैं और स्मार्टफोन भी हैं, जैसे आईटेल A49 20,000 रुपये से 18,500 रुपये का हो गया, आईटेल A27 17,500 से 16,000 का हो गया, आईटेल A17 11,000 से 10,000 का हो गया। इसी तरह आईटेल के कीपैड वाले फ़ोन हैं आईटेल वैल्यू 100 2350 से 2150, आईटेल वैल्यू 110 2400 रुपये से 2200 रुपये, 100S 2400 रुपये से 2200 रुपये, इसी तरह 1110S 2450 से 2250 रुपये का हो गया। इसके अलावा काफ़ी सारे आईटेल के कीपैड वाले फ़ोन पे जिन पर 100-200 रुपये कम किए गए हैं। तो ये थी प्राइस ड्रॉप जो कि काफ़ी टाइम से पाकिस्तानी मार्केट में लोग वेट कर रहे थे प्राइसेस ड्रॉप कब होंगे, क्योंकि डॉलर एक्सचेंज रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, लेकिन रिसेंटली दोबारा से इस पे प्राइस डॉलर पे से बढ़े हैं, पैसे 7 रुपये इंक्रीज़ हुए हैं कल के दिन। तो अभी देखते हैं ये प्राइसेस स्टेबल रहती हैं या दोबारा से इस पे इंक्रीज़ आता है या डिक्रीज़ आता है। इसके वजह से जो भी अपडेट्स होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग साथ इंक्लूड करके शेयर कर देंगे। अब बात करते हैं अपकमिंग डिवाइस की। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तानी मार्केट में इस टाइम पे मोबाइल न्यूली लॉन्च होना बिल्कुल थोड़े से रुके हुए हैं, और उसका एक रीज़न है पाकिस्तान में तो जो कंडीशन है हालात चल रहे हैं, दूसरे गवर्नमेंट ने जो बेन लगाया है LC ओपन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक का शॉर्टेज भी है और न्यूली फ़ोन लॉन्च भी नहीं हो रहे। लेकिन कुछ दिनों बाद जो न्यूज़ आ रही है उसमें टेक्नो कैमन 19 Pro पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रहा है, और इसके अलावा इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो दो डिवाइसेज हैं जो पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है कि सितंबर के स्टार्ट में लॉन्च कर दी जाएंगी। जिसमें कैमन 19 प्रो की अगर बात करें तो यहाँ पे 6.8 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट है लेकिन IPS LCD के साथ। तो ये गेमिंग डिवाइस है और यहाँ पे G96 यूज़ किया गया है जो कि पावरफुल गेमिंग चिपसेट है, 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस बेस करती है, 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरियंट होगा। यहाँ पे 64MP का मेन कैमरा मिल रहा है, 50MP का यहाँ पे पोर्ट्रेट लेंस दिया गया है, फोकस पोर्ट्रेट नाम दिया है, और टेलीफोटो भी होगा इसमें, आपको जूम भी मिलने वाला है। इसके अलावा 2MP कैमरा होगा डेप्थ सेंसर, और 32MP का सेल्फी कैमरा यहाँ पे आपको मिलने वाला है, 5000mAh की बैटरी, 33W की फास्ट चार्जिंग के साथ, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, आउट द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पे आएगी डिवाइस। स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छी हैं, प्राइस देखनी है, प्राइस जस्टिफाई करेगी क्योंकि अभी जिस टाइम पे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन पे पाबंदी है, टैक्सेस बढ़ चुके हैं, ड्यूटीज़ बढ़ चुकी हैं, और डॉलर भी कल दोबारा 7 रुपये इंक्रीज़ हुए हैं। तो अब देखना है किस प्राइस के अंदर उसको लॉन्च किया जाता है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, लेकिन बहुत जल्दी यानी सितंबर में आप इसको देख लेंगे पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। इसके अलावा इन्फिनिक्स की तरफ से भी नोट 12 प्रो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है बहुत जल्दी, और आपको पता है जैसे ही टेक्नो की तरफ से कोई डिवाइस आती है तो साथ में इन्फिनिक्स की तरफ से भी उसी तकरीबन सेम स्पेक्स में या मिलती जुलती स्पेक्स के अंदर एक डिवाइस लॉन्च की जाती है, या फिर पहले इन्फिनिक्स की डिवाइस आती है तो फिर एक टेक्नो की डिवाइस आ रही होती है सेम स्पेक्स के अंदर। तो यहाँ पे भी इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च जा रहा है, जिसमें अगर स्पेक्स की बात करें हाइलाइट्स की तो यहाँ पे 6.7 इंच का डिस्प्ले होगा, लेकिन यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है, वहाँ पे आपको IPS LCD मिल रही है लेकिन 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, यहाँ पे आपको एमोलेड पैनल मिलता है लेकिन 120Hz का रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की 3rd जनरेशन की प्रोटेक्शन आपको मिलेगी, और चिपसेट की बात करें तो ये एक 5G डिवाइस है, इसमें डायमेंसिटी 810 की चिपसेट लगाई गई है, 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस बेस करती है, और ये 5G चिपसेट है। इसके अलावा यहाँ पे कैमरास को भी काफी ज्यादा फ्लैगशिप लेवल के लगाए गए हैं, 108MP का कैमरा है मेन, और बाकी दो कैमरे 2MP का डेप्थ सेंसर और 2MP का मैक्रो कैमरा यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा 16MP का सेल्फी कैमरा होगा, 5000mAh की बैटरी, 33W की फास्ट चार्जिंग, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, इसके अलावा आपको आउट द बॉक्स एंड्रॉइड 12 देखने को मिलेगा। डिवाइस की लुक बहुत प्यारी है नोट 12 की भी और टेक्नो कैमन 19 प्रो की भी। आई थिंक सबसे ज्यादा जो सेल होगी टेक्नो की डिवाइस कैमन 19 प्रो, वो अपने लुक की वजह से सेल होगी, बहुत खूबसूरत डिवाइस बनाई है, मल्टी कलर्स हैं जो कि धूप के अंदर चेंज भी करते हैं, तो बहुत प्यारी डिवाइस है। उम्मीद करते हैं सितंबर के महीने में पाकिस्तान में दोनों डिवाइसेज आ जाएंगी, तो फिर इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यूज भी आप चैनल पर देखेंगे। इसके अलावा वीवो की तरफ से एक रिसेंटली लोअर एंड की डिवाइस लॉन्च की गई है वीवो Y15C के नाम से। हालांकि वीवो Y15 एक पुरानी डिवाइस है तो उसमें C8 करके दोबारा से लॉन्च किया गया है, जो कि 32,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है। आई थिंक जो कि इसकी स्पेक्स है उसके हिसाब से इसकी प्राइस जस्टिफाई नहीं कर रही। MediaTek Helio P35 की चिपसेट मिलती है 32,000 रुपये की प्राइस के अंदर, जो कि हमें काफ़ी पहले 22-23,000 रुपये की प्राइस के अंदर मिलती थी। 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है जो कि HD+ दिया गया है, फुल HD नहीं, HD+ रेजोल्यूशन आपको मिलता है, 720x1600 pixels का, 4GB रैम 64GB रोम का वेरियंट, 13MP का कैमरा, साथ में 2MP का डेप्थ सेंसर,
फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का, 5000 mAh की बैटरी। तो स्पेक्स तकरीबन वही हैं 22-23-25,000 रुपए की जो स्पेक्स में मिल रही होती थी, लेकिन अब ये 32,000 रुपए की प्राइस के अंदर अनाउंस किया गया है। टैक्सेस भी हैं, डॉलर की एक्सचेंज रेट भी है, गवर्नमेंट का जो कंडीशन है वो भी है, लेकिन उसके बावजूद भी 32,000 रुपए की प्राइस के अंदर आई थिंक स्पेक्स जस्टिफाई नहीं कर रही। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में बात करें तो इन्फिनिक्स की तरफ से जीरो अल्ट्रा 5G की भी कुछ स्पेक्स देखी गई हैं, जिसमें 6.7 इंचेस का कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, 200 मेगापिक्सल का कैमरा है और डायमेंसिटी 920 की चिपसेट है और 8GB रैम 256GB रोम का वेरिएंट है। ये बताया गया है, ये कुछ लीक्स आ रही हैं, कंफर्म नहीं है। अगर ये डिवाइस आती भी है तो आई थिंक एंड ऑफ द ईयर आएगी, यानी दिसंबर के अंदर इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी जल्दी नहीं आने वाली। इसके अलावा आपको पता है सितंबर में आईफोन सीरीज भी लॉन्च होती है, तो आईफोन 14 भी सितंबर के अंदर इसकी लॉन्चिंग एक्सपेक्टेड है, आई थिंक सितंबर 7 को, या फिर इसकी सितंबर 16 से रिलीज डेट है, सितंबर 7 को लॉन्चिंग है। तो देखते हैं आईफोन 14 सीरीज के अंदर लाइनअप में अभी क्या देखने को मिलता है हमें। तो अभी तक की लेटेस्ट टेक न्यूज़ में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।